हेलो स्टूडेंट दिस इज़ पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एसबीएस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर वी आर स्टडिंग इंटरप्रिटेशन स्टैच्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस विद डिसाइडेड केसेस द स्पेशल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीनल स्टैट्यूट्स तो पीनल स्टैट्यूट से रिलेटेड जो इंटरप्रटेशन के रूल हैं उनको हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है देखिए पीनल स्टैट्यूट मीनस आपराधिक कानून जो होते हैं उनसे रिलेटेड किस तरीके से इंटरपटेशन की जा सकती है अगर किसी भी प्रोविज़न में या किसी भी लॉ में अगर वहाँ पे इंटरप्रटेशन की जरूरत है या किसी तरीके की कोई डिस्प्यूट है या किसी तरीके की वो प्रोविज़न से रिलेटेड कोई अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है सो so, कोर्ट जो किस तरीके से इंटरप्रटेशन करेगी आपराधिक कानूनों में पिनल स्टैट्यूट्स में इसके रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं यही आपको इस क्वेश्चन में पढ़ने हैं देखिए देर आर सम वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल क्रमिनोलोलॉजीडेंस विद गाइड विच गाइड द कोर्ट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम तो देखिए किमन जीरोस्पूडेंस के बड़े सारे इस्टेबलिश प्रिंसिपल हैं जो कि टाइम टू टाइम गाइड करते हैं कोर्ट को द मेन अमंग दीज प्रिंसिपल बेनिफिट टू डाउट शुड बी गिवन टू द एक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो फॉलो किया जाता है पीनल स्टेट्यूट में कि अगर किसी तरीके की इंटरप्रटेशन करनी हो या कहीं पे भी प्रोविजन में कोई डाउट हो तो बेनिफिट ऑफ द डाउट जो हमेशा जो है वो एक्यूज आरोपी को ही दिया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लॉ क्लियर नहीं है या फिर कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है तो उस सिचुएशन में जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज को मिलता है द बर्डन ऑफ प्रूविंग द चार्ज बियॉन्ड डाउट इन इज ऑन द प्रोजिक्यूशन तो ये प्रोजिक्यूशन अभियोजन पक्ष पे डिपेंड करता है कि वो अपने चार्ज को बियॉन्ड एनी डाउट बियॉन्ड एनी बियॉन्ड एनी डाउट जो है प्रूव वहाँ पे करें अंटिल अ पर्सन इज प्रूव गिल्टी ही शुड बी कंसिडर इनोसेंट जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता है वो एक्यूज़ पर्सन जो है वो इनोसेंट ही कंसिडर किया जाएगा दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी हेल्पफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन करते टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पिनल स्टैट्यूट में कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है हमेशा जो है एक्यूज़ को देना है जब भी कोई सी प्रोविजन में या किसी क्रिमिनल लॉ में कोई भी प्रोविज़न से रिलेटेड कोई वहाँ पर डाउट है तो उस डाउट का प्रोविज़न जो है वो बेनिफिट जो है वो एक्ज़ के फेवर में जाएगा इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द प्रिंसिपल दैर द क्रिमिनल केसेज द कॉन्स्टिट्यूशन शुड भी इंटरप्रेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द दूज तो इंटरेस्ट ऑफ़ द एक्यूज के फेवर में ही जो है क्रिमिनल लॉ को इंटरप्रेट किया जाना चाहिए सेक्सेरिया कॉटन स्टेट ऑफ बॉम्बे के केसेस में वायल इंटरप्रटेंट द क्रिमिनल लॉ सस्पिशियस वर्ड शुड बी वाइडली एंड जेनरसली इंटरप्रिटेड सो एज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इनोसेंट पीपल तो इनोसेंट पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए या फिर क्रिमिनल लॉ की जो इंटरप्रटेशन है वो जो है उसका मेन पर्पस जो होना चाहिए उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इनोसेंट पीपल हो सके वहाँ पर प्रयास स्वामी वसी एम्पर का केस है इस केस में भी यही बोला गया है वेर इज अ मल्टीपल मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज दूज इन स्टैट्यूट तो किसी क्रिमिनल स्टेट्यूट uh, की जो लैंग्वेज के मल्टीपल मीनिंग लिख रहे हैं तो फिर उसका मीनिंग उस तरीके से निकाला जा जाना चाहिए उसकी इंटरप्रटेशन इस तरीके से की जानी चाहिए कि अक्यूज़ पर्सन को इसका फ़ायदा हो इसी तरीके से तोला राम ऑफ केसेस में भी यही चीज़ बोली गई है वे देयर कैन बी टू इंटरप्रटेशन ऑफ द प्रोविजन किसी भी प्रोविजन से अगर टू इंटरप्रटेशन वहाँ पे हो रही है इट शुड बी सच अ वे दैट इट वुड प्रोटेट द इंटरेस्ट ऑफ दूस तो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए या फिर उस तरीके से इंटरप्रटेट उसको किया जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ द एक्ूज भी वहाँ पर सेव हो और पिनियन लॉ की इंटरप्रटेशन जो है सिंपल क्लियर और ग्रामेटिकल टर्म्स में की जानी चाहिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन uh, वहाँ पर होनी चाहिए साजन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब के केसेज में भी यही चीज़ बोली गई है कि बेनिफिशियल ऑफ द एक्ूज पर्सन ही हमने यहाँ पे देखना है मोतीबाई आर प्रसाद 1970 सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ द कोर्ट शुड नॉट अटेम्प्ट टू एड वर्ड ऑन इट्स बिहाफ़ जब भी क्रिमिनल लॉ की इंटरप्रटेशन करें तो कोर्ट किसी तरीके का कोई वर्ड ऐड नहीं करेगी अपने बिहाव पे द कोर्ड इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रामेटिकल इंटरप्रटेशन ऑफ द फोर क्लोज लॉ एज मच एज पॉसिबल तो कोर्ट को जो इंटरप्रटेशन करनी है वो लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रटेशन ही करनी है मीन्स उस वर्ड्स का जो है ग्रामेटिकल मीनिंग और उसका जो एक नॉर्मल और पॉपुलर मीनिंग है वही उसका देना है किसी तरीके का वहाँ पर कोई इंटरप्रटेशन ऐड नहीं करनी है कोई वर्ड ऐड वहाँ पर नहीं करना है ये चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं अब दूसरी बात यहाँ पे आपके सामने है स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन तो देखिए क्रिमिनल स्टैट्यूट्स क्रिमिनल लॉ की जो इंटरप्रटेशन होती है उसमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन की जाती है स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन का रूल जो है फॉलो किया जाता है क्रिमिनल लॉ आर एक्सपेक्टेड टू बी इंटरप्रेटेड रेगोरेसली तो क्रिमिनल लॉ जो है उनकी इंटरप्रटेशन रेगुलसली कठोर तरीके से की जानी चाहिए इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ स्मिथ वर्सेस वूड कमला प्रसाद वर्सेज कैमरी वर्सेज में इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जानी चाहिए इसका मतलब क्या है कि बेनिफिट ऑफ जो है वो जो है वहाँ पर अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम क्योंकि अगेंस्ट द सोसाइटी है और जरूरी है वहाँ पर कि क्राइम जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करे अगर कोई क्राइम करता है तो इसलिए इसकी जो है स्ट्रिक्ट अगर इंटरप्रटेशन भी की जा रही है तो वहाँ पे किसी तरीके की लीन ऐसी नहीं बरती जानी चाहिए कठोरता से उस इंटरप्रटेशन को किया जाना चाहिए ताकि कल्पिट को वहाँ पे पनिशमेंट जो है मिल सके मैक्सवेल द हार्डनेस क्राइटेरियन डिपेंड ऑन द दिव्यिटी ऑफ द फोरक्लोजर मैथड इन वन केस जैसे केस बता रखा है यहाँ पर एक कॉन्स्टेबल वॉज फाउंड टू बी रोमिंग इन द पब्लिक प्लेस विद द गवर्नमेंट रिवॉल्वर आफ्टर ड्रिंकिंग एक्सेसिव अल्कोहल वाइल्ड डिस्चार्जिंग हिस्स ऑफिशियल फंक्शन तो एक कांस्टेबल जो है वो पब्लिक प्लेस में यहाँ वहाँ घूम रहा है उसने शराब पी रखी है गवर्नमेंट रिवॉल्वर भी उसके पास है और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे उस टाइम पे है डरिंग द मेडिकल जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उसने मेडिकल ऑफिसर्स के साथ भी बदतीमीजी की इट वॉज़ कंक्लूडेड कॉन्स्टेबल वॉज अकस्टम टू कमिटिंग द क्राइम बाई ड्रिंकिंग एल्कोहल तो यहाँ पे उसने वो जो क्राइम किया है वो गलत है और वो ड्रिंक उसने अल्कोहल भी ड्रिंक किया तो यहाँ पे किसी तरीके की लीनेसी जो है उस कॉन्स्टेस्टेबल के साथ नहीं बरती जानी चाहिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न करना चाहिए और स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन ऑफ द लॉ वहाँ पे की जानी चाहिए इसी तरीके से रंजीत उदयसी वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है इस केस में क्या हुआ कि जो अपीलेंट है वो कन्विक्टेड है उसने सेल किया है पोर्नोग्राफिक बुक कॉल्ड लेडी चैटलीज लवर्स एक लेडी चैटलीज लवर्स एक बुक है जिसमें पोर्नोग्राफिक आ, बड़े सारे ऑप्शींस फोटोज़ जिसपे हैं जिसको उसने सेल किया है अपीलेंट ने आर्ग्यू दिया कोर्ट में कि उसको नॉलेज नहीं था कि इस बुक में इस तरीके का ऑप्शीस मटेरियल है एंड ही इज़ ऑल्सो सेट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बुक सेलर टू रीड एवरी बुक एंड सेलिट और उसने ये भी आर्ग्यूमेंट रखा कि उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी बुक उसके पास बेचने के लिए आ रही है जिसको वो बेच रहा है उसको वो खुद पढ़े बट जो तो सुप्रीम कोर्ट वायल रेगुलसरी एक्सप्लेन द क्रिमिनल लॉ तो सिमिनल कोर्ट ने क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर रूल किया है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन आपको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ही करनी है और क्रिमिनल लॉ को स्ट्रिक्ट तरीके से ही एक्सप्लेन करना है और क्रिमिनल लॉ ने यहाँ पे बोला कि सर दैट द सच किस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ माइंड और इंटेंट फॉर द कन्विक्शन ऑफ द दूस इज़ अ अटीरियल तो आ, उस टाइम पे अक्यूज़ की आ, इंटेंट क्या थी वो तो सारी चीज़ें इमिटेरियल हो जाती हैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ को स्ट्रिक्टली तरीके से लागू करना ज़रूरी है तो चाहे उसको चाहे पता नहीं था कि जो वो बुक बेच रहा है उसमें ऑप्शीस मटेरियल है फिर भी उसको यहाँ पे पनिश किया जाएगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ यहाँ पे करना है uh, राधे श्याम वर्सिस मियावाल uh, मियावा लाल का केस है अलाहाबाद हाई कोर्ट का इट वाज हेल्ड अलाहाबाद हाई कोर्ट दैट द एक्साइज एक्सरसाइज मेथड शुड बी स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट एंड शुड भी इंटरप्रेटर लिबरली इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो कितने लॉ को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दूसरा इन फेवर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट उसको यहाँ पे करना है इसके अलावा बक्तावर सिंह वसी बलवंत सिंह का केस है अलाहाबाद हाई कोर्ट का वेयर द पेनल्टी इज़ इम्पोज फॉर फॉलिंग टू कम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इट शुड बी स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टलीफोर्स तो जहाँ पे आ, अगर वहाँ पे कोई पेनल्टी रख रखी गई है उस एक्ट के प्रोविज़न के लिए तो उसको तो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स वहाँ पे किया जाना चाहिए तो एक चीज़ आपके सामने क्लियर है कि क्रिमिनल लॉ की इंटरप्रिटेशन अगर करनी है कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैटर आता है जहाँ पे लॉ को इंटरप्रिटेट करने की ज़रूरत है तो उसको स्ट्रिक्टली तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि क्राइम हुआ है और क्राइम को सोसाइटी में रोकना जरूरी है तो इसकी क्रिमिनल लॉ की जो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्रिमिनल लॉ में इंटरप्रिटेशन के बाद यही है बोलते हैं कि किसी पुराने लॉ का यूज़ करके या फिर ऐसा एक्ट जो कि किया ऐसा एक्ट ऐसा क्राइम जो कि जब किया गया उस टाइम पर वो क्राइम नहीं था अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ और बाद में उसको क्रिमिनल एक्ट के अंडर लॉ बना के किसी को पनिश करना वो ठीक नहीं है इसी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इट इज़ वेल इस्टेब्लिश दैट द फोर क्लोजर लॉ शुड नॉट बी इम्पलीमेंटेड विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड इट कैन बी सेड दैट बाय अप्लाइंग एनी मैथड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दैट कैन नीदर बी कन्ट और पनिश्ड तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मैथड का यूज़ करके ऐसा कानून जो कि उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं था या एग्जिस्ट नहीं करता था एक नया कानून बना के किसी पर्सन को पनिश करना जो कि पहले क्राइम नहीं था वो एक्ट पहले क्राइम नहीं था किसी भी पर्सन को ना तो कन्विक्ट किया जा सकता है ना ही पनिश किया जा सकता है बट इन द वन केस इट हैज़ बीन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इफ द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लॉ इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द एूज इट कैन बी डन ये बट बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टेट ऑफ मुंबई वैसी विष्णु रामचंद्र के केसेस में बोली गई कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लॉ इज़ इंटरेस्ट ऑफ अगर एक्व के फेवर में वो रेट्रोस्पेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जाती है तो वो किया जा सकता है मीन्स यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली यही है कि ऐसे एक्ट जो कि जब वो किए गए वो क्राइम नहीं थे तो एक नया लॉ बना के उन एक्ट्स को क्रिमिनलाइज करके उस पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है पनिश नहीं किया जा सकता है केदारनाथ वैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है द एूज वॉज अक्यूज ऑफ कमिटिंग क्राइम इन विच ही कुड बी पनिश्ड विद इंक्रीजमेंट ऑफ फाइन लेटर द अमाउंट ऑफ द फाइन वॉज इंक्रीज बाय द अमेंडिंग द एक्ट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ द रिवाइज पेनल्टी अमाउंट के नॉट बी अप्लाइड विद द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो इस केस से क्लियर होता है कि जब एक अक्यूज ने क्राइम किया तो उस टाइम पे उस क्राइम की पनिशमेंट जो थी वहाँ पे उसको दे दी गई और बाद में जो है एक नया एक्ट बना के उस क्राइम के लिए फ़ाइन भी जो बढ़ा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अब जो ये बढ़ा हुआ फ़ाइन है ये पहले वाले एक्ट के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले वाले एक्ट के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट थी वही दी जाएगी एक नया एक्ट आ जाए और पिछले आ, उस पर्सन को उस नए एक्ट के के अंदर जो है उसके पिछले क्राइम के लिए फ़ाइन लगा देना ये ठीक नहीं है ये कैनॉट बी अप्लाइड विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज डूइंग सो द कंट्री टू द आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज वन के अंदर भी यही बात जो है बोलेगी एक्सपोज डी लॉ की बात वहाँ पे की गई है बेनिफिट ऑफ द सब्सिक्वेंट लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेनिफिट ऑफ ऑफ द सब्सिक्वेंट लॉ का बेनिफिट जो है अक्यूज उसको मिलना चाहिए यहाँ पर आपने देखा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो कानून अभी आपके पास नहीं है ठीक है और उस uh, उस लॉ के अंडर किसी को पनिश नहीं किया जा सकता पहले वाले किसी क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता लेकिन अगर कोई अब एक्ट आ गया है और वहाँ पे किसी तरीके का बेनिफिट अगर एक्व को मिल रहा है सब्सिक्वेंट लॉ जो बाद में बनते हैं उस क्राइम को करने के बाद जो लॉ बन रहे हैं उन लॉ में अगर एक्व को कोई फ़ायदा मिल रहा है तो वो उसको यहाँ पर मिल सकता है इट हैज़ नाउ बिकम अ वेल स्टेब्लिश रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट इफ़ द सब्सिकुन लॉ बेनिफिट द एूज दैन ही शुड बी गिवन द बेनिफिट दैट इज सच द लॉ शुड भी इंटरपटेन इन सच अ वे दैट इट कैन बेनिफिट ऑफ द एक्क्यूज तो देखिए आपने क्राइम किया और क्राइम में उसकी जो है सज़ा जो है बहुत ज़्यादा लिख रखी है ठीक है जी और अभी आपका ट्रायल चल रहा है या आपको सज़ा हो गई है एक नया एक्ट आया उसी क्राइम से रिलेटेड और वहाँ पर उसकी सजा कम लिख रखी है तो ये सब्सिक्वेंट लॉ हुआ और सब्सिक्वेंट लॉ में अगर सजा कम लिख रखी है तो उस

देखा तो सब्सिक्वेंट लॉ जो बाद में लॉ बना है इस केस में भी ऐसा हुआ एक पर्सन पर आरोप है कि 16 ईयर ओल्ड बॉय जो है उसने हाउस टेस्ट पास किया है और सेवन ईयर ओल्ड गर्ल के साथ जो है वो आपत्तिजनक जो है बिहेव भी किया है उसको इसके लिए सजा भी हुई रेगरेस इंप्रिसमेंट हुआ छः महीने का लेकिन इसी दौरान जो है 1958 में क्रिमिनल प्रोबेशन एक्ट आ गया जिसमें 21 साल से कम जो क्रिमिनल होते हैं उनको बेनिफिट का प्रोविज़न था तो हालांकि उसने वो क्राइम पहले कर दिया था पहले एक्ट के अकॉर्डिंग उसको छ महीने की सज़ा भी मिल चुकी थी एक नया एक्ट आया जिसमें एक्यूज पर्सन जो कि 21 साल से कम उम्र के हैं और वो 16 साल का था उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रिकमेंड किया कि सब्सिक्वेंट लॉ जो बने हैं और पहले वाले लॉ के अंडर को सज़ा मिली है तो सब्सिक्वेंट लॉ जो बने बाद में लॉ बने हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर सजा का कम प्रोविजन है या कोई बेनिफिट वहाँ पर अगर को मिलता है तो मिलना चाहिए वहाँ पे ये बताया मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द क्रिमिनल लॉ वर्ड्स शुड बी इंटरप्रिटेड इन द नेचुरल एंड नेचुरल सेंस एट द टाइम ऑफ सच इंटरप्रटेशन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन इज ऑल्सो टू बी कैप्टन माइंड तो क्रिमिनल लॉ में जो वर्ड की इंटरप्रटेशन होगी वो नेचुरल सेंस में होगी और इसकी इंटरप्रटेशन जब की जाएगी तो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को जहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी स्टेट ऑफ केरला वर्सी मथाई वर्गीज का केस है 1987 का सुप्रीम कोर्ट दैट द टर्म करेंसी नोट यूज इन द सेक्शन 489 ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 डज नॉट ओनली इंक्लूड द इंडियन करेंसी नोट बट आल्सो इंक्लूड द फॉरेन करेंसी नोट तो सेक्शन 489 ए में जो इंडियन पिनल कोड में जो है सिर्फ इंडियन करेंसी नोट्स के बारे में बात की गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें जो है फॉरन करेंसी नोट को भी इंक्लूड किया जाएगा तो जब फेक करेंसी इंडियन करेंसी होती है तो उसमें जो है अगर फेक फेक करेंसी जो है बाहर के नोट की होगी तभी वो प्रॉपरली क्राइम बनेगा तो लैजिस्लेचर की इंटेंशन भी वहाँ पे देखनी पड़ती है कि उस तरीके से उस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे निकाला जाए सो ओवरऑल द मीनिंग इज़ दैट इन द पेनल मैथड द वर्ड शुड हैव इजी एंड नेचुरल मीनिंग तो जब भी हम क्रिमिनल लॉ की इंटरप्रटेशन करें तो उसमें लिखे हुए वर्ड का जो है नेचुरल और इजी मीनिंग निकालने की कोशिश करें वहाँ पे किसी तरीके का वर्ड ऐड ना वहाँ पे करें और इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेश ये रखने की कोशिश वहाँ पे होनी चाहिए सम ऑफ द सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रटेशन ऑफ पिनल लॉ आर क्लियर फ्रॉम द अब डिस्कशन तो ये प्रिंसिपल आपके सामने आते हैं जब भी आप एक क्रिमिनल लॉ के इंटरप्रटेशन क्रिमिनल पिनिनल स्टैट्यूड इंटरप्रटेशन आप करें पिनियन लॉ शुड भी इंटरप्रिट रेगुलरली सबसे पहली बात यह है कि पिनियल लॉ को कठोरता से इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए उसकी व्याख्या कठोरता से की जानी चाहिए पिनियन लॉ शुड भी जेनरसली इंटरप्रटेट इन द पब्लिक पिनियन लॉ के इंटरप्रटेशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट में की जानी चाहिए वेयर अ प्रोविजन हैज मल्टीपल मीनिंग्स और एनी डाउट अराइजेज अगर किसी प्रोविजन के बहुत सारे मीनिंग लिखने या कोई डाउट है तो इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की जानी चाहिए कि बेनिफिट जो है वो अक्यूज को हो क्रिमिनल स्टैट्यूट शुड नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफ डूइंग सो एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन जो है उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए और किसी पहले वाले लॉ को यूज करके किसी को पनिश नहीं किया जा सकता और अगर कोई एक्ट पनिशेबल नहीं है तो एक एक्ट बना के उस उसमें पनिश किसी को नहीं किया जा सकता है by applying the retrospective effect the retrospective effect the accused can be given its benefit तो retrospective effect का अगर benefit कोई अगर हो रहा है तो वो दिया जाना चाहिए while interpreting the criminal statutes the court should not add any word on its behalf जब भी criminal law की interpretation की जा रही हो तो court किसी तरीके के कोई नया word add वहाँ पर ना करे while interpreting the penal law no word should be added by the court on its बिहाफ अपने भी हाँ पे कोई भी वर्ड जो है कोर्ट किसी तरीके को नया ऐड ना करे वर्ड शुड बी टेकन एज ए नेचुरल एंड नेचुरल सेंस वर्ड जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है इस तरीके से की जानी चाहिए कि उसका नेचुरल और नेचुरल सेंस में मीनिंग यहाँ पे निकले इन एवरी केस क्रिमिनल कन्विक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द कन्विक्शन तो हर एक केस में जो है जब भी बेनिफिट दिया जा रहा हो जब भी इंटरप्रटेशन की जा रही हो जरूरी नहीं है कि वहाँ पर क्रिमिनल कन्विक्शन वहाँ पर हो चुकी हो तो मैक्सवेल ने यही बोला इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज़ नॉट बीइंग डन मोर देन बिफोर अकॉर्डिंग टू द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन मॉडर्न जजमेंट देर इज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द डिस्टिंगशन बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड द हार्श इंटरप्रिटेशन तो हार्श इंटरप्रिटेशन और स्ट्रक्चर में अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिस्टिक्शनस को कम करने की कोशिश की गई है और पॉसिबिलिटी यही रहती है कि जितना हो सके बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज को ही मिलना चाहिए और वाइल इंटरप्रटेटिंग द क्रिमिनल लॉ जो है इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लचर को देखना बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है थैंक यू सो मच